हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम लोग जालन बनाने जा रहे हैं, कलकत्ता की झालरा मुड़ी। उसके लिए चाहिए हमें मुरमुरे, उबले हुए आलू, प्याज, टमाटर, ये खट्टी मीठी नमकीन और ये तीखी वाली नमकीन, नींबू, सरसों का तेल और नमक मिर्च। ये मैंने आलू प्याज वगैरह पहले से काट के रख लिए हैं। इसमें हम लोग थोड़े से प्याज, टमाटर, आलू, ये जितने भी आप डालना चाहें उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मिक्सचर नमकीन वाली और ये खट्टी मीठी वाली नमकीन, इसमें थोड़ा सा नमक थोड़ा ही डालें क्योंकि नमकीन जो हमने मिक्सचर डाली है उसमें पहले से ही है नमक। मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें हम कोई भी चटनी वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, तेल से ही आता है, और कोई चटनी ना यूज़ करके इसमें हम नींबू ही डालेंगे। इसमें हम लोग नींबू ऐड करेंगे। इसमें आप कोई भी नमकीन इसमें डाल सकते हैं, लेकिन चटनी ना डालें वरना ये थोड़ी सी कुरकुरी नहीं बनेगी। इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है और इसमें से जो सरसों के तेल की खुशबू आ रही है वो सबसे बेस्ट होती है। झालरा मुड़ी की स्पेशलिटी यही है कि उसमें सरसों का तेल डलता है। और ये हमारी झालरा मुड़ी तैयार है सर्व होने के लिए। इसमें आप चाहें तो कच्चे चने भी भिगो के हम लोग डाल सकते हैं। हम थोड़ी सी इसमें वो डालेंगे भुजिया, इसमें आप धनिया भी डाल सकते हैं। और ये हमारी तैयार है झालरा मुड़ी। आपको ये झालरा मुड़ी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।